हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष। पिछले वीडियो में हमने एंकर टैग, बोर्ड टैग जैसे बहुत सारे टैग्स देखे थे। आज इस वीडियो में भी हम कुछ और टैग्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं डिलीट टैग के बारे में, DEL। इस टैग का यूज हम यूज़ करते हैं जब हमें कुछ टैग्स दिखाना हो डिलीटेड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल एस सेव। मैंने यहाँ पे पेज को किया रिफ्रेश। ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है ये डिलीट हो चुका है, इस तरीके से दिख रहा है। इसका यूज़ हम करते हैं कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट में। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ प्राइस होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बोल्ड टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 20 रुपीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट का टैग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22 रुपीज़। मैंने किया कंट्रोल एस सेव, मैंने किया रिफ्रेश। ये देखिए, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स में आपने देखा होगा ये इस तरीके से यूज़ होता है डिलीट टैग। अब हम बात करने वाले हैं इंसर्टेड टैग के बारे में। मैं यहाँ पे पहले ब्रेक लगा देता हूँ। ये जो टैग होता है इसका यूज़ करते हैं हम कुछ इंसर्टेड दिखाने के लिए, जैसे कि हमें कुछ इंसर्ट किया हुआ है एक्सटर्नली। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, लॉरेम 10, एंटर। मैंने किया कंट्रोल एस सेव। ये देखिए, ये एक इंसर्टेड टैग होता है, INS। अब हम बात करने वाले सबस्क्रिप्टेड टैग के बारे में। सबस्क्रिप्टेड एंड सुपर स्क्रिप्टेड, ये दो टैग्स होते हैं। मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लिखना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, 4 कैरेक्टर्स ले लिए। अब मैं इप्सम को मैं सब टैग के अंदर डाल देता हूँ। ये जो सीट लिखा है मैंने, मैं इसको सुपर स्क्रिप्टेड टैग के अंदर डाल देता हूँ। मैंने किया कंट्रोल एस सेव। मैंने किया यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखिए, ये जो इप्सम लिखा है ये सब टैग की मदद से लिखा हुआ है, और ये जो SIT सीट है ये सुपर स्क्रिप्टेड टैग की मदद से लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।